दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे मोबॉक्स के एम बॉक्स कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.415 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और एक बहुत अच्छे पॉजिटिव कॉइन के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिल रही है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर इस कॉइन को बाई करना चाहते हैं, उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.415 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा मूवमेंट आज हमें इसकी प्राइस में देखने को मिला है, 2-3% का मूवमेंट देखने को मिला है। और उससे पहले एक और चीज़ है, यहाँ पर थीम है, पहले ब्लैक थीम में यूज़ करता था, आज मैंने ये वाइट थीम यूज़ की है, तो इसका भी आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर थीम चेंज करनी है तो थोड़ा सा एक आँखों को अच्छा लगना चाहिए, कभी कभी ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर थीम चेंज करूँ मैं, जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार, जैसे पहले जो है मैं ब्लैक थीम यूज़ करता था, ये ब्लैक थीम हुई और ये वाइट थीम हो गई, तो अभी तो वाइट थीम पे पूरा मैं प्राइस प्रेडिक्शन करूँगा। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पर, कि थोड़ा सा ठीक लग रहा और आंखों को भी अच्छा लग रहा है ये वाइट वाइट। तो यहाँ पर 0.415 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है अभी अगर देखें, और ये हट जाए यार क्या है ये। चलो तो यहाँ पर अगर बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की, तो 0.41 वाला जो लेवल है इस कॉइन के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, जिसको इसने अभी मेंटेन किया हुआ है। हालांकि डेली क्लोजिंग 41 से ऊपर हमें देखने को नहीं मिली है, 41 के अराउंड ही देखने को मिली है, लेकिन अगर 41 से ऊपर अभी आज की डेली क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है और 41 से ऊपर ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, तो यहां से आपको ये कॉइन क्विक 20-25% का प्रॉफिट देकर चला जाएगा। प्रीवियसली अगर यहां पर बात करें, अप्रैल मंथ में इस कॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया था, 5.8-5.9 वाले लेवल को ट्राई किया था, 2-3 बार अच्छी खासी फ्लक्चुएशन हमें 4-5 वाले लेवल से देखने को मिली और 25-30% के मूव, इजी मूव देखने को मिले। और इसके अलावा इस कॉइन में इस टाइप के ब्रेकआउट जो है वो बैक टू बैक देखने को मिलते हैं, कुछ डेढ़ डिस्टेंसेस पे इस कॉइन में इस टाइप के ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिसमें ये अच्छे खासे लेवल से एक अच्छा लेवल ट्राई करता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ अभी रिसेंटली इसने 70 वाला लेवल ट्राई किया था, कब से, दिसंबर के बाद की बात है, दिसंबर से रिकवरी की थी। दिसंबर में इस कॉइन ने 0.357 वाला लो बनाया था। अब अगर दिसंबर से कंपेयर करें तो 5-6 मंथ हो चुके हैं, 5-6 महीने बाद वापस उस लेवल पर हमें इस कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इसी कॉइन में नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनको यहाँ पर 3-5 से थोड़ा सा ऊपर, सिर्फ 10-12% ऊपर ये कॉइन मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अब अगर आप एंट्री मिस कर देते, कि यहाँ पर एक बार 4-6 वाले लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी मार्च के अंदर, और वो एंट्री मान लीजिए उस टाइम पर भी आपने मिस कर दी थी, तो वहाँ पर भी इसने 5-9 वाला लेवल ट्राई किया था, 40-50% का इजी मूव लिया था, वहाँ पर भी इस कॉइन ने अच्छा प्रॉफिट दिया था, और अभी वापस 40 से नीचे ये कॉइन आ गया था और 41-42 पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ से अगर हम एंट्री मिस कर देते हैं, इस सपोर्ट को मिस कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट इस टाइप का मौका देगा, क्योंकि BTC में उतना डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला जितना अल्ट्स में। देखिए BTC ने अपने दिसंबर वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है 14,000 वाला लेवल, उससे 100% की रिकवरी कर चुका था BTC, और अभी भी ऑलमोस्ट 80% रिकवरी के अंदर है। BTC ने अभी मौका दिया, 25,800 तक प्राइस गई थी, 26 तक प्राइस गई थी, लेकिन कितना करेक्शन हुआ था, मात्र 15-20% का करेक्शन हुआ। लेकिन इन कॉइन्स में बात करें तो उसी लेवल पर है जहाँ पर दिसंबर में ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ आल्ट्स में हमारे लिए ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा इजीली। अगर एंड ऑफ 2023 की बात करें तो यहाँ से
400%, 500% तक का प्रॉफिट देकर जा सकता है, 300% तक का प्रॉफिट देकर जा सकता है। अभी अल्ट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, BTC मूव कर रहा है। BTC के बाद यहाँ पर जब श्योरिटी हो जाएगी कि यहाँ से आप BTC डंप नहीं करेगा, यहाँ से हम बुल मार्केट के अंदर इंटर हो गए हैं, यहाँ से हम आने वाले 4 से 6 महीने में BTC ऑल टाइम हाई ट्राई कर लेगा, तब जाकर अल्ट्स में और कुछ अच्छी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है, बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है, तो आपको बैक टू बैक अल्ट्स में पहले लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, Web3 कॉइंस में, DeFi कॉइंस में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सभी कैटेगरी के एक एक कॉइंस ऐड करते हैं, मेटावर्स का कॉइन, गेमिंग कॉइन ऐड करते हैं, आप DeFi कॉइन ऐड करते हैं, इसके अलावा Layer 1, Layer 2 ब्लॉकचेन, Web3 के कॉइन, इस टाइप से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखते हैं, तो आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर एंट्री की बात करें तो 0.414 पर ट्रेड कर रहा, हम इस कॉइन में 41 वाले लेवल पर एंट्री लेंगे, बहुत अच्छा लेवल है। अगर थोड़ा बहुत प्राइस नीचे जाता है तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा अमाउंट यहाँ डाल देना है। 0.41 वाले लेवल पर आपको 70% पार्ट से एंट्री लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से आपको 0.41 वाले लेवल पर एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन और देखने को मिलती है, BTC वापस डगमगाता है, क्योंकि BTC ने अभी 27,200 से ऊपर ट्राई किया है, डेली क्लोजिंग करेगा, नहीं करता है, वापस अपना 27 वाला एरिया लूज कर देता है, तो फिर अल्ट्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से सेकेंड एंट्री आपको 0.38 वाले लेवल पर लेनी है, जो रहेगी आपकी बाकी 30% पार्ट से। इस टाइप से 70-30 के रेशो में आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ से टारगेट्स की बात करते हैं, तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे, यानी कि क्विक प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए इमीडिएट टारगेट रहेगा 0.50 वाले लेवल, ऊपर की तरफ इस कॉइन को 0.50 वाला रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद 0.60 वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो 50 और 55 पर आपको 60-40 के रेशो में सेल आउट करना है, जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले हैं। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं उनको 0.58 वाले लेवल पर 100% पार्ट सेल आउट करना है, जहां तक आपको 40-45% तक का इजी प्रॉफिट मंथली बेसिस पर देखने को मिलेगा। 15-20 डेज या 1 मंथ आप होल्ड करते हैं तो आपको इजीली 40-45% का प्रॉफिट ये कॉइन देकर चला जाएगा, क्योंकि इस कॉइन में इस टाइप के ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। तो 60 रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट वाला, तो यहाँ से 50 को तो इजीली ये ब्रेक कर देगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मिस नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी आपको एक कॉइन अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, जो क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज करना चाहते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे। और अगर आप क्रिप्टो में पैसा लूज नहीं करना चाहते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, टेक्निकल चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बायो सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहा, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें।